आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे एसबी न्यूज बीएलपी यूट्यूब चैनल में। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। बलरामपुर कोतवाली उतरौला के ग्राम रसूलाबाद स्थित ग्राम समाज कब्रिस्तान की भूमि पर लगे सैकड़ों हरे सागौन के पेड़ को प्रधान प्रतिनिधि दिलीप बारी द्वारा दबंगई व जबरदस्ती से काटे जाने पर ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। हरे सागौन के सैकड़ों पेड़ काटे जाने की लिखित सूचना ग्रामीणों ने प्रभारी निरीक्षक व वन क्षेत्राधिकारी को दी। आरोप है कि गांव के प्रधान प्रतिनिधि दिलीप बारी दबंगई व जबरदस्ती के बल पर कब्रिस्तान मजार व ग्राम समाज की जमीन पर लगे सैकड़ों हरे सागौन के पेड़ को काट कर बेच डाला, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने स्थानीय प्रशासन को दिया। ग्रामीण की शिकायत से नाराज प्रधान प्रतिनिधि दिलीप बारी द्वारा शिकायत कार्यकर्ताओं के घर जलाकर उनको गाली गलौज देते हुए जान माल की धमकी भी दी। पीड़ित का कहना है कि विपक्षी दबंग व आपराधिक किस्म का व्यक्ति है। विपक्षी पर अभी तक कोई कार्रवाई न होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की है। न्याय न मिला देख शुक्रवार को ग्रामीण ने जमकर प्रदर्शन भी किया। प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर एक सप्ताह के भीतर कार्रवाई नहीं हुई तो जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन एवं भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी सूचना संपूर्ण जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन की होगी। राधे श्याम, बाबूलाल चौहान, श्याम बाबू, शिव कुमार, घनश्याम, ओम प्रकाश, प्यारे राकेश, राम नरेश, मंगरे शर्मा, मिथुन, खुदी, चिनकऊ, जोकर, नंदलाल, बिरजू, अतुल, असत्यादान, बहादुर, नरेंद्र, सुनील, रामपत्र, भुड़कू, शेष राम समेत दर्जनों ग्रामीण ने विरोध जताई है। देखिए पूरी रिपोर्ट। मंगरे शर्मा, क्या मामला है? मामला यही है कि ये कब्रिस्तान है, फिर उसके बाद में मजार है, फिर उसके बाद में पेड़ लगा रहा, अब पेड़ सब पर ध्यान कटाएगी दिलीप। किस चीज़ का पेड़ था? सागौन का। हरा था कि सूखा? हरा रहा। कहीं शिकायत किया आप लोगों ने? दो तीन जगह गए, कुछ नहीं हुआ। हम लोग अगर यहाँ सुनवाई नहीं होगा तो अगर हम लोग का सुनवाई तहसील में देंगे नहीं तो फिर जाकर के धरना पर जाएंगे। अगर नहीं सुनवाई होगा तो हम लोग धरना पड़ेंगे, तो बंगला घेरेंगे, चारों हड़ताल करेंगे, वहीं बैठेंगे, वहीं कोई सुनवाई नहीं होता। हम लोग पहले जाएंगे यहाँ कोतवाली में।